हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो का बैकग्राउंड इस प्रकार से कैसे बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड था, मैंने यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इन दो ऐपों की आवश्यकता होगी। इन दोनों ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं अथवा आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले का नाम है बैकग्राउंड इरेजर तथा दूसरे ऐप का नाम है पिक्सल लैब। आपको इन दोनों ऐपों को डाउनलोड कर देने के बाद आपको सबसे पहले बैकग्राउंड इरेजर वाला ऐप ओपन करना है। चलिए मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। जैसे ही आप बैकग्राउंड इरेजर ऐप को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब आपको लोड ए फोटो पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोड ए फोटो पर क्लिक करोगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपको गैलरी से वो वाली फ़ोटो को चूज कर लेना है जिसका आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। चलिए मैं इस वाली फ़ोटो को चूज कर ले रहा हूँ। फ़ोटो को चूज कर देने के बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर मैजिक पर क्लिक करना है। मैजिक पर क्लिक करने के बाद आपको इसे यहाँ से इरेज कर देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको धीरे से यहाँ पर इरेज कर देना है। देखिए, मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला बैकग्राउंड पूरा इरेज कर दिया है। आपको पूरा बैकग्राउंड इरेज कर देने के बाद आपको इस डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक कर देने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब आपकी ये इमेज गैलरी में सेव हो चुकी होगी। अब आपको इस ऐप को बंद कर देना है। आपको ये बैकग्राउंड इरेजर ऐप बंद कर देने के बाद आपको ये दूसरा वाला ऐप पिक्सल लैब ओपन करना है। जैसे ही आप पिक्सल लैब ऐप को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब आपको सबसे पहले इस न्यू टेक्स्ट को हटाना है। इसे हटाने के लिए इस डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है जिससे ये न्यू टेक्स्ट हट जाएगा। अब आपको इस नीचे वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आपको ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट कर देना है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको इस सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है और आपको ये सेव पासपोर्ट साइज जैसी बढ़ा देनी है। जैसे मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार सेव कर देने के बाद आपको इस बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है। कलर पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। कलर में आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं जो अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं आप। क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पर ये वाला कलर चूज कर लिया है, आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आगे जाना है। आगे जाकर स्ट्रोक पर क्लिक करना है, इसे इनेबल कर देना है। स्ट्रोक में आप ब्लैक कलर को चूज कर लीजिए। इसके बाद इसे थोड़ा बढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको फिर से प्लस पर जाना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी में आ जाने के बाद आपको वो वाली इमेज को चूज करना है जिसका आपने अभी बैकग्राउंड इरेज किया था। चलिए मैं इस वाली इमेज को चूज कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपको इस टिक वाले निशान पर क्लिक करना है। अब आपको ये फोटो यहाँ पर फिट कर देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर फिट करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार आपकी इमेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको इस इमेज को सेव करने के लिए शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर देने के बाद आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है जिससे आपकी इमेज गैलरी में सेव हो जाएगी। देखिए, मैं गैलरी में आ चुका हूँ। ये इमेज गैलरी में सेव हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें।